का प्रश्न है कि आज चंद्र ग्रहण है, क्या उस पर हम कुछ बता सकते हैं? जो पुराना एक समय था उसमें ग्रहण को लेकर बहुत भ्रांति थी। ऐसा मानते थे कि राहु जो है चंद्रमा को निगल गया है और फिर थोड़े समय के बाद राहुल उस चंद्रमा को उगल देता है बाहर। क्योंकि राहु निगल गया है तो बड़े बुजुर्ग या जो पंडित पुरोहित होते थे, बड़े बुजुर्ग या पंडित पुरोहित होते थे वो कहते थे कि उस समय बाहर मत निकलो। जो राहु चांद को निगल सकता है वो मनुष्य को भी निगल सकता है, कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अवश्य होगा। परंतु विज्ञान आज का बहुत आगे बढ़ चुका है, ना तो कोई राहु है और ना ही कोई राहु किसी सूर्य को निगल रहा है, ना ही चंद्रमा को निगल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हमको नया ज्ञान प्राप्त हो जिससे कि पुराने विचार असत्य सिद्ध होते हों, तो मनुष्य में इतना साहस अवश्य होना चाहिए कि नया कदम उठा सके, ना कि पुराने को पकड़ कर बैठा रहे कोई ना कोई अपने मन को सांत्वना देकर। चंद्रमा का प्रभाव तो है मनुष्य जीवन पर, यदि समुद्र में वो एक ज्वार भाटा को ला सकता है तो मनुष्य पर भी उसका प्रभाव है, परंतु मनुष्य के भाग्य पर नहीं, मनुष्य की वृत्ति पर हो सकता है, उसकी मनोस्थिति पर हो सकता है, पर यह नहीं कि चंद्रमा के आने से कुछ भविष्य में परिवर्तन आने वाला है। अब फिर बात थोड़ा ज्योतिष की ओर निकल जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि ज्योतिष असत्य है, कईयों का मन लगता है, कईयों को रुचिकर लगती है, कईयों को उसमें विश्वास है, आपको अधिकार है आप अपना विश्वास रख सकें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसे पछड़े में पड़ना ही क्यों, फिर भगवान क्या कर रहे हैं? यदि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और बात पूरी नहीं हो रही, मान लीजिए आप मांग रहे हैं कुछ, तो जब आप किसी दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो वो नहीं कर पाए कोई और कर सकता है, फिर तो मंदिर के किवाड़ बंद कर दो और जो घर में विग्रह पड़े हैं, चित्र पड़े हैं, उनको जल प्रवाह कर दो, वो आजकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, आग लगा दो, किसी पेड़ की जड़ में डाल दो, फिर ये दिखावा क्यों? परंतु ग्रहण काल में जो ऊर्जा है वो थोड़ी भिन्न होती है ग्रहों की, क्योंकि कहीं तो एक चक्र चल रहा था, कहीं उसमें विघ्न आ गया, तो वो जो ऊर्जा अलग होती है उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने और साधकों ने, और मेरा स्वयं का भी ऐसा अनुभव है कि उस काल में साधना का प्रभाव अलग होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो तरंगे हैं उनका मन पर प्रभाव होता है। और ऐसा ही मंत्र शास्त्रों का भी मानना है कि यदि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण की महत्वता और भी अधिक बताई गई है, यदि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उस समय में व्यक्ति को जरूर थोड़ी सी साधना करनी चाहिए, थोड़ा जप अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तरंगे बदल गई हैं सारी। तो बुद्धिजीवियों ने कहा कि उस समय में कुछ खाओ मत, प्रयत्न करो कि उस समय कुछ मत खाओ, शायद ठीक हो, उस बात में कुछ सत्य हो। आज के युग में तो शायद इतना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि भोजन मनुष्य का फ्रिज में रहता है, वहां तो वैसी 24 घंटे तरंगे हैं, वहां वैसी अंटार्कटिका बना हुआ है, तो बेमौसमी सब्जी मिल रही है 12 महीने इंसान को। पहले मनुष्य एक प्राकृतिक ढंग से जीता था तो शरीर जो है और स्वस्थ रहता था। पुराने समय के लोग ऐसे रोगों से नहीं मरते थे जिस रोगों से
आज के युग में लोग मर रहे हैं। वो मरते थे कि मान लीजिए कुछ काट गया, इन्फेक्शन हो गया, उसका कोई उसकी कोई दवा नहीं थी, कुछ लग गया लोहे का, उससे एक सेप्टिक एक इन्फेक्शन हो गया, उसकी कोई दवा नहीं थी मान लीजिए। पर आजकल तो अधिकतर जो रोग हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। सिर्फ जीने का ढंग इतना वाहियात है अधिकतर लोगों का, ना खाने का जहूर, ना सोने का, ना काम करने का, जिसके चलते वो बीमार हैं। इसलिए बीमार नहीं है कि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव है या कुप्रभाव है, कुप्रभाव है। तो चंद्र ग्रहण या ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय यथासंभव व्यक्ति को जप करना चाहिए, यदि कर सके तो, ऐसा ही हमारा मानना है। इनका प्रश्न है, यदि आपके आराध्य जो हैं निराकार हैं और आप उनको कुछ अर्पण करते हैं, क्या उन तक सिर्फ भाव पहुंचेगा या स्वाद भी पहुंचेगा? ये निर्भर करता है चीज कितनी स्वाद है। जो देवी माँ की ऊर्जाएं होती हैं, या जा कहा जाए स्वाहा या स्वधा, जब उनको लेकर जाना होता है तो जो तो स्वाद है वो तो पहुंचाया जाता है वहां तक, जो नहीं है वो इंद्र को दे दिया जाता है। इंद्र उसको वर्षा के रूप में वापस फेंक देता है पृथ्वी पर। और यदि कोई औषध इत्यादि ऐसे अर्पण की जाए, क्या वो पहुंचेगी? मानसिक पूजा में आप कुछ भी अर्पण कर सकते हो और सब कुछ पहुंचता है। एक वैसे वस्तु हो भौतिक जगत की, उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए अपार तपस चाहिए, तप चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे जो जीव हैं, जो आत्माएं हैं, उनको आप बुला रहे हो कि इसको ले जाओ वहां तक। परंतु मानसिक स्वरूप से केवल मन, मन की शुद्धता और एकाग्रता, चौथा कुछ चाहिए नहीं। भाव हम मान के चल रहे हैं कि है ही। That's my answer. Is the legend of Siddhashram true? Whether you, चाहे आप उसको सिद्धाश्रम कहें या ज्ञानगंज कहें, या भिन्न भिन्न लोगों ने उसको भिन्न भिन्न संज्ञाएं दे दी गई हैं। एक ऊर्जा है जो चलती है अमरनाथ से होते हुए, केदारनाथ को होते हुए, नीचे बद्रीनाथ से होते हुए, वो जो पूरा क्षेत्र है कामाख्या आसाम तक, ऐसे जो चलता है वो सारा सिद्धाश्रम है। परंतु ऐसा नहीं है वहां पर जाएंगे तो कोई हजार वर्ष पुराना साधु मिल जाएगा जटाधारी, वो सब नहीं है। परंतु सिद्ध जो हैं विचरण करते हैं। हिमालय एक इतनी अद्भुत भूमि है कि जब आपका मन हिमालय में रमता है एक बार, तो आपका हिमालय को छोड़ने का मन नहीं करता। तो कई बार सिद्ध आत्माएं ऊर्जा के उसमें, वहां उस भूमि में विचरण करती हैं। जो एक सिंसियर साधक है उसको किसी न किसी ढंग से सहायता देती रहती है, इतना सत्य तो अवश्य है। नागा बाबा से भी किसी ने पूछा था कभी ब्रह्म के बारे में, बहुत भयंकर उत्तर दिया था उन्होंने, भगा दिया था उस व्यक्ति को। किसी ने पूछा था बाबा से कि ब्रह्म क्या है, तो बाबा ने उसको जोर से गाली दी। कुंभ मेले की बात है अलाहाबाद के, जोर से गाली देके उसको भगा दिया। और ना तो मैं उस स्टाइल में बोल सकता हूँ, ना उस स्टाइल में गाली दे सकता हूँ, ना ही वो गाली दे सकता हूँ। तो बाबा ने कहा कि अरे भाई क्या करोगे जान के ब्रह्म क्या है, गृहस्थी हो काम की बात पूछो। बाबा ने उस व्यक्ति को ये बोला था, पर तब तक वो भाग लिया था।
क्योंकि जब बाबा अपने यौवन में थे तो इतना जोर से बोलते थे कि वहां के लोग मुझे बताते थे ये बात कि कभी लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 200-500 लोग ऐसे हैं गांव का, ऐसे ही प्रवचन करते थे। और जो उनके ड्राइवर थे पांडे, वो मुझे बता रहे थे कि महाराज जी, हम तो इनको बचपन से देखा हुआ है। हम छोटे छोटे होते थे तो बाबा चलते थे, क्योंकि जो पांडे थे उनकी ये 40-45 वर्ष मुश्किल से होगी, तो बाबा तो 75 वर्ष के थे उस समय में। और कहते हम जब बच्चे थे सब लोग सड़क छोड़ के पीछे हट जाते थे, बाबा के साथ एक दो और लोग चलते थे। ये लंबी लंबी जटाएं, इतना बड़ा त्रिपुंड, इतनी बड़ी देह, हम देख के डर जाते थे कि बाबा जब चलते थे। तो ब्रह्मलोक, अब क्या कहूं, भगवान ने बोला है ब्रह्म बुआए कल्पते, के जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता है वो ब्रह्म लोक में विचरण करता है, चाहे उसने योग किया हो या ना किया हो, तप किया हो या ना किया हो। तो ब्रह्म लोक एक ऐसे लोक की परिभाषा दी गई है, एक ऐसे मनुष्य की अवस्था है जिसमें वो पूर्णतः एक हो गया है उस सत्ता के साथ ईश्वरीय, जिसमें उसके मन में, जिस समय उसके मन में कोई कुविचार नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं पनप रही जिससे किसी दूसरे का अहित हो। यदि मन किसी भी समय इच्छा रहित हो जाए तो मन का कोई मल नहीं रह जाता, मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन ब्रह्मलोक की प्रथम अवस्था है। जो उस निर्मल मन में सतत रह सके वो ब्रह्मलोक में रह रहा है। जिसने अंत समय में अपने शरीर को ऐसे त्यागा कि मन में कोई इच्छा नहीं, वो ब्रह्मलोक में चला गया। क्योंकि मनुष्य, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कर्मों से नहीं इच्छाओं से वापस आता है। तो ऐसा लोक, ऐसा एक पहलू जिसमें इच्छा रहित है मनुष्य, जब ये जान गया है कि इच्छाएं अनंत हैं, रखने का कोई लाभ है नहीं, ये घुमा के रखती हैं व्यक्ति को। दैट्स व्हाट ब्रह्मलोक इज इन नटशेल।